हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग है हमारा अ डे इन अ लाइफ ऑफ MIT स्टूडेंट सेकेंड ईयर। और स्पेशली आज ये व्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हमारा फुल डे, मतलब सुबह सुबह लैब होंगे 8:30 से 11:30, उसके बाद 5:30 बजे तक क्लास होगा, बीच में कुछ देर का ब्रेक होगा, तो सब कुछ मैं दिखा पाऊँगा आपको व्लॉग में। उसके बाद आज शाम को हमारे कॉलेज में डांडिया नाइट भी है, तो वो भी दिखाएंगे। तो आज काफ़ी हेक्टिक भी रहने वाला है शेड्यूल और मज़ा भी आने वाला है। ये है हमारा एकेडमिक ब्लॉक 5, यहाँ मेरी सारी थ्योरी क्लासेस और लैब क्लासेस चलती हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारा लैब इक्विपमेंट्स, इस पे हमें काम करना पड़ता है हर ट्यूसडे को, ग्रुप में काम करना पड़ता है, लेकिन टेस्ट जो होगा वो इंडिविजुअल होगा, तो इंडिविजुअल टेस्ट में हमारी थोड़ी सी फट जाएगी, क्यों अद्वैत जी, बहुत ज़्यादा। आस्था जी, ये हमारी लैब पार्टनर आस्था जी, ये जो लैब है इसमें ज़्यादातर काम यही करती हैं और मुझे भी उसका मार्क्स मिल जाता है थोड़ा बहुत, ये सच्चाई खुदी का मार्क्स, ये सारा सामान लेके आता है, वायर्स लेके आता है, और फिर दूसरे से इक्वेशंस भी लिख के लाता है ताकि आप तय करने के लिए इजी हो जाए। समझ सकते हैं आप किस प्रकार का इंसान हूँ मैं। गाइस हम ला चुके हैं अपना बैच कॉर्ड्स कहते हैं इसे, ये इसके ऊपर कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आस्था करती है ये टेबल के हिसाब से। ये देखिए कितना एक लग रहा है इंजीनियर सही। फाइनली आस्था ने सर्किट बिल्कुल अच्छे से असेंबल कर दिया है और जो जितने भी आउटपुट्स हैं वो सही आ रहे हैं, वो आपको समझ तो आएगा नहीं, ये ऑन ऑफ होता है। अरे उतना लोग को नहीं समझ आता है, मेरे कॉमर्स वाला लोग ज्यादा देखता है। ये जो टेबल है इसके हिसाब से सही आउटपुट आ रहा है, बस यही आपको बताना चाहूंगा गाइज। बाय बाय बाय। तो अभी बजे सुबह के 11, वैसे हमारी लैब 11:30 में खत्म होती है पर आज 11 बजे ही खत्म हो गई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज रात में हमारे कॉलेज में डांडिया नाइट है, तो उसके लिए थोड़ा शक्ल सुधारना पड़ेगा। शक्ल सुधारने से मेरा मतलब है कि दाढ़ी हटानी पड़ेगी। दोस्तों अत्यब एकदम तैयार होते हुए, कैसा लग रहा है अत्यब आपको अपना दाढ़ी? बहुत हल्का हल्का फील हो रहा है। हल्का हल्का फील हो रहा है। कौन बोला आपको ये दाढ़ी निकलवाने? घर वाले वो घर वाले बना लिए उनको अभी। कौन? तो अभी हम आ चुके हैं अपने मेस में, मैं नॉर्मल मेस का खाना खाऊंगा, हमारे औसफ भाई कुछ ऑर्डर करके खाएंगे क्योंकि ये लोकलाइट है, तो ये मेस के मेंबर नहीं है, तो चलिए कुछ खाते का, सुबह से कुछ नहीं खाया तो भूख लगी हुई है। नींबू पानी भी मिला है खाने में, आज अंडा करी लग रहा है। ये मिला है खाने में, रोटियां मिली हैं, अंडा का कुछ मिला है और ये सब्जी मिली है, नींबू पानी मिला है, वेज में आपको मलाई कोफ्ता मिल रहा है। अच्छा नहीं है क्या? क्या बिरयानी? दो बिरयानी। हाँ कर ले ऑर्डर। मैंने गंदा कर दिया। क्या चीज? मैं एकदम गंदा खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे से खाइए। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि मणिपाल में जो भी मैसेज है वहाँ के खाने कैसा है, खाना कैसा लगता है आपको? मणिपाल का खाना काफ़ी चट्टी है, मतलब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे दाल और चावल पे गुजारता हूँ, कभी कभी अगर चेंज लाना है तो दाल चावल की जगह दाल रोटी कर देता हूँ, बट उसके आगे कुछ नहीं। धन्यवाद। तो अब हमने लंच कर लिया है, अब हम क्लास की तरफ जा रहे हैं। हमारी 2 बजे से क्लास है, 2 से 3, फिर 3 से 3:30 ब्रेक होगा, फिर 2 क्लासेस और होंगी 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30। क्या शेड्यूल बोल रहा है? सही तो बोल रहा हूँ। हाँ बोर क्यों कर रहा है? बोर हो गया। पहले तो ये बोलते थे कि मैं कैमरा शाही हूँ, मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा, पर जब बेइज्जती की बात आई तो ये बोल पड़े। हम आ चुके हैं क्लास करने के लिए, अभी बच्चे पूरी तरह से आए नहीं हैं। हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, सृजन भाई पटना से। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। सृजन भाई, कल आपने एक अपने बहुत ही विचित्र दोस्त के बारे में बताया था हमें, वो हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है, वो कुछ करते थे अजीब सा, वो क्या करते थे भाई? एक लौंडा था। हाँ तो हम लोग वर्मा सेंटर के बाहर निकलते थे, ऑटो मिलना बहुत मुश्किल होता था। हाँ तो उसको बोले एक बार कि भाई जल्दी से जाके ऑटो पकड़ ले। हाँ। तो
वो चूतिया ऑटो सच में पकड़ गया तो बोलता है हाँ भाई आगे ऑटो में तीन औरत बैठी हुई है भाई वो जज कर रही है ऑटो वाला साला बैठाया भी नहीं अरे एमएमएस थोड़ी बना रहा है ऐसे क्यों कर रहा है मुंह क्यों छुपा मुंह मत कोई वाला हाल है ओ भाई टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं तो अभी एक क्लास के बाद हमारी आधे घंटे की ब्रेक मिली है और प्रणव भाई हमारे साथ जुड़ना चाहते थे ये आज क्लास ही नहीं आने वाले थे पर जब इन्हें पता चला कि आज हम व्लॉग बनाने वाले हैं तो प्रणव भाई स्पेशली तैयार हो गया है हमारे लिए क्लास में प्रणव भाई डेब्यू हमारा डेब्यू है आपके चैनल में कैसा लगा बहुत अच्छा लगा तो बड़े फेमस होने का टाइम आ गया सही बात है देवांशी जी आप भी आना चाहेंगे तो आज प्रणव सबको बताने वाले हैं कि मणिपाल में मतलब लव लाइफ के बारे में कुछ बताने वाले हैं मुश्किल सवाल पूछा आपने इसी बात पे एक शेर आ गया याद आ गया बोलिए 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 इरशाद अर्ज किया इरशाद मोहब्बत के जमाने गुजर गए जनाब आए हैं मोहब्बत के जमाने गुजर गए जनाब अब छोटे मोटे प्यार से काम चला लीजिए आप ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋ ਟਿਪ ਸ੍ਰੀਜਨ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਮਾਂ ਕਾ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹਮਾਰੀ ਮਾਂ ਲਈ सरप्राइज टेस्ट लेके कैसा लग रहा है आप बताइए बहुत लेंगे हम अरे भाई आइए बताइए कैसा लग रहा है सरप्राइज टेस्ट देने के बाद लग गए ओहो ये तो कुछ ज्यादा ही बीप करना पड़ेगा यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है गाइस हमारी ट्यूटोरियल क्लास है ट्यूटोरियल क्लास में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो हमें सॉल्व करना पड़ता है तो ये देखिए किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है यहाँ पे पेपर रखा हुआ है और यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है फॉर्मूला बुक है फॉर्मूला बुक है फॉर्मूला बुक है हाँ तो सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ हम अब थोड़ा तैयार होंगे डांडिया नाइट के लिए ऐसा तैयार होंगे कि लड़कियाँ फिदा हो जाएंगी क्यों कुछ आगे अरे भाई उसके लिए तैयार होने की क्या जरूरत है ये इज अ पॉइंट क्या करूं सब लड़कियां मुझ पर मरती हैं तो तैयार हो चुका हूं मैं जैसा कि आप देख सकते हैं हाँ और मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं गूंज क्लब का मेंबर हूं जो ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है वो क्लब तो मेरी वहां ड्यूटी है आज प्रसाद बांटने की तो उसमें भी काफी मजा आएगा ये है हमारे पार्टनर जो हमारे साथ प्रसाद बांटेंगे आज आज प्रसाद में क्या है आज लड्डू है भैया कल प्रसाद बांटने में मजा आया आपको बहुत मजा आया तो आज भी मजा आने वाला है बिल्कुल आज प्रसाद बांटते ही हम डांडिया करने निकल चलेंगे और मैं देखिए हम ट्यूनिंग भी कर रहे हैं यस टैग दिखाइए आप अरे टैग अरे ये ले लो भैया यस टैग ले लो काफी मजा आने वाला है आज ये भाई साहब अभी परेशान हो गए कि इनको लड्डू मिलेगा कि नहीं उसके लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं इंतजाम हो गया इंतजाम चलिए चलिए ठीक है लड्डू आ चुके हैं ये लड्डू हमें प्रसाद में बांटना है एकदम हम बांटने वाले कोई दिक्कत नहीं आएगी हम खाने वाले हैं जी 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 भाई साहब है इनको लड्डू का वीडियो बनाना है इन्हें स्नैप बनाना है स्ट्रीक मेंटेन करनी है भैया एमसीबीपी के एमसीबीपी वाले भाई एमसीबीपी वाले 5 साल के रहे 5 साल यहाँ पे रुकने वाले एक साल अभी 4 साल रहने वाले देखते हैं खुदा की कृपा से रहे तो रहे सही बात रहना पड़ेगा भाई घर वालों नहीं नहीं कोर्स बचेगा तब तक बीच में मूड ऑफ चलो कोर्स बंद करते हैं होगा हमारा डांडिया नाइट पूरा इंतजाम करके रखा है यश भाई हमारे साथ हैं आपने इंडिया पाकिस्तान वाले ब्लॉग में इन्हें देखा होगा आर यू एक्साइटेड फॉर डांडिया नाइट यश भाई यस सर किसके साथ खेलने का इरादा है हैं और दोस्त हैं अच्छा अच्छा दोस्त या दोस्त झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं आजेश भाई आप तो शुक्रिया जनाब चिन्मय भाई हाँ व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर अ गर्ल स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो ए हे हे मजा आ गया मजा आ गया
प्रसाद बांटने की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं डांडिया खेलने। Are you excited? अपन डांस करेंगे। अपने लिए स्पेशल डांडिया मंगाया गया है, वो हम लेने जा रहे हैं अभी। इवेंट खत्म हो चुका है, गाने वाने बजना बंद हो चुके हैं, तो कुशागर आपको मजा आया कि नहीं? अरे बहुत मजा आया, तेरे को आया? हाँ, पर गाने उतने गाने थोड़े थे पर मौज तो की ना। हाँ मौज तो की, काफी भीड़ थी तो थोड़ा कंजेस्टेड भी था नाचना, और गाने भी मतलब उतने मजे नहीं आए, मजा आया। हाँ। ऐसे इवेंट कम ही होते हैं, आप घर से दूर रहते हैं पर आपको त्योहार मनाने का अवसर मिलता है अपने दोस्तों के साथ, घर वालों की याद जरूर आती है पर कोई नहीं, यही जिंदगी है। एसपी का ये नज़ारा बिना व्लॉग में डाले व्लॉग पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए हम आपको अभी दिखाएंगे हमारे स्टूडेंट प्लाजा का नज़ारा। चलिए गा, क्या गा? कुछ भी गा, बीड़ी जले ले हमारे साथ है कॉलेज के अपने बहुत बड़े सेलिब्रिटी सर। नमस्कार सर, मजा आ रहा है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये भी सेलिब्रिटी है गाइस, अजय इनकी। मेरे को रिंग मुबारक सुनाई दे रहा है, काफी मिलियंस में जाते हैं इनके व्यूज सर। अरे अरे, और बताइए मजा आया? बिल्कुल बहुत मजा आया सर, आपके साथ अभी जो हमने नाच कार्यक्रम किया आपने कवर किया होगा। जी 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 जी, बहुत मजा आया देख के सर। चलिए चलिए, सब्सक्राइब टू आर्कोहल। अरे हमारे चैनल पे अपना प्रमोशन करते हुए और बस हमारे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, बाकी बहुत मस्त लौंड है हमारा। अरे थैंक यू, इनके भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपको यूट्यूब सब्सक्राइब करें। चलिए लगता है फाइनली व्लॉग को हम बंद करेंगे, अब व्लॉग में दो ग्रिल्स को भी ले लेते हैं ताकि व्यूज बढ़ जाएं। अरे व्यूज बढ़ेंगे ना इनके, इनसे थोड़े शायद कम हो जाएं व्यूज। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आप तो वीडियो देखते ही नहीं हमारे चैनल का? अभी देखती हूँ ना। देखती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला देखेंगी? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। बन रहा था लेकिन व्लॉग का एंडिंग अभी मिला नहीं है, तो कुछ एंडिंग कर दो सत्यार्थ। अरे यार, करो करो एंडिंग करो। हम कुछ नहीं एंडिंग कर रहे, तुम डाल देते हो इधर उधर। यही डालेंगे? नहीं डालोगे? हाँ नहीं डालोगे? हाँ नहीं डालोगे? बहुत जगह है बक। अब बोलो।